अंदर यदि प्रबल आत्मविश्वास हो तो आधा रास्ता वैसे ही तय हो जाता है, आधा लक्ष्य हम वहीं प्राप्त कर लेते हैं जब हम किसी लक्ष्य के लिए दृढ़ संकल्पित होते हैं। लोग जितने भी मिले नफरतों में गुम मिले, फिर हुआ एक मुजजा हमें अचानक तुम मिले। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद आलोक में। करंट वैक्सीन फरवरी डोज, मतलब फरवरी माह के पूरे करंट अफेयर्स के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। संस्था के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है क्योंकि आपकी सभी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, आपके चयन में भी करंट अफेयर्स की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रत्येक माह का अलग अलग करंट लेके मैं आपके समक्ष आता हूं। जनवरी माह का करंट मैं आपको तैयार करा चुका हूं, यह फरवरी माह की श्रृंखला है। इसी प्रकार प्रत्येक 10 तारीख से पहले मैं संपूर्ण माह के करंट के साथ आपके समक्ष उपस्थित होता रहूंगा। आज की महत्वपूर्ण श्रृंखला फरवरी माह के सभी पक्षों के समावेशित किए हुए हैं। आइए श्रृंखला की एक सजग शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी संस्था की तरफ से आपको दे दूं। यह देखिए, संस्था में अलग अलग बैच चल रहे हैं, इसके बारे में थोड़ी सी आप जानकारी ले लीजिए। अगर आपको जूनियर एडिट शिक्षक भर्ती की तैयारी करनी है तो जूनियर एडिट शिक्षक भर्ती का बैच निश्चय बैच संस्था में चलाया जा रहा है। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जूनियर लिख दीजिए, एंट्री जूनियर लिख के भेज दीजिए, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी, या डिस्क्रिप्शन में जाके आप निश्चय बैच के टेलीग्राम को निःशुल्क ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको एस्टेट का बैच लेना है तो नीचे सफलता बैच का टेलीग्राम है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, या इस नंबर पर आप हमें एंट्री एस्टेट लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए। इसी प्रकार ये यूपी टेट का बैच है, अगर यूपी टेट में आपको ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पर एंट्री लिखकर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। एकलव्य बैच, यह यूपीएसआई का बैच है, यूपीएसआई का बैच अगर आपको ज्वाइन करना है तो ये यूपीएसआई का नंबर है, ये सभी व्हाट्सएप नंबर है, इस पर यूपीएसआई एंट्री लिखकर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नीचे यूपीएसआई के एकलव्य बैच का डिस्क्रिप्शन है, आप वहां पर चले जाइए और टेलीग्राम चैनल को निःशुल्क आप एकलव्य बैच के ज्वाइन कर सकते हैं। सभी के टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया गया है, आप जिस परीक्षा से संबंध रखते हैं उस परीक्षा के टेलीग्राम चैनल के लिंक को निःशुल्क ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारे संस्था के नंबर है, अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप इन नंबर्स पर प्रातः 10 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक कॉल करके भी जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं। आइए आज की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। कि आज की श्रृंखला को मैंने 5 भागों में बांटा है, राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य, कोविड-19 से संबंधित तथ्य, क्योंकि इस समय का करंट अफेयर्स बिना कोविड-19 के पूरा हो भी नहीं सकता, और उसके बाद उत्तर प्रदेश विशेष, खेल एवं पुरस्कार। पिछले बार भी जब मैंने आपको जनवरी का करंट अफेयर्स मासिक पूरा कराया था तो इन्हीं 5 भागों में मैंने जनवरी के करंट अफेयर्स को भी बांटा था। आपको एक कॉपी बनानी है, उस कॉपी में मैं जिस तरीके से तथ्यों को आपको बता रहा हूं उसी तरीके से तथ्यों को आपको लिखते हुए चलना है। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी परीक्षा का एक भी प्रश्न इस मासिक करंट से बाहर नहीं होगा। राष्ट्रीय परिदृश्य से शुरुआत करते हैं, और राष्ट्रीय परिदृश्य का सबसे पहला बिंदु है 8वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय रेशम मेला। भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद के वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर 31 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया। भारत की कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी जी द्वारा वर्चुअल माध्यम से इसका उद्घाटन किया गया। यह भारत का सबसे बड़ा रेशम मेला है, तो आपको कुछ ही चीजें याद रखनी है। यह 8वां संस्करण था, यह भारत का सबसे बड़ा रेशम मेला है, और कहां आयोजित किया गया, वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर भारतीय रेशम निर्यात एवं संवर्धन परिषद के, और इसका मुख्य उद्देश्य था भारतीय रेशम को वैश्विक पहचान दिलाना। कपड़ा उद्योग में हम बढ़ोतरी के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। इस बजट में 2021-22 के बजट में कपड़ा उद्योग के लिए मित्रा योजना को भी लाया गया है। मित्रा योजना का सीधा सीधा उद्देश्य था कि भारतीय कपड़ा उद्योग को वैश्विक रूप से अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना, निर्यात के ज्यादा अवसर उत्पन्न करना, बड़े निवेशों को आकर्षित करना और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। तो अगला हमारा जो बिंदु है वो है मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क, जिसको हम लोग मित्रा कहते हैं, है ना, अभी जिसकी मैं आपसे चर्चा कर रहा था। और मित्रा क्या है, मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क योजना की घोषणा की गई, जिसे शॉर्ट में मित्रा कहा गया। और इतने बस इस लाइन को याद रखिए, इस योजना का उद्देश्य बड़े निवेश को आकर्षित करना, रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करना तथा निर्यात को बढ़ावा देना, और विश्व में भारतीय कस्तूरी कॉटन को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना। मैंने एक नया नाम लिया, कस्तूरी कॉटन, क्योंकि जब इस योजना की घोषणा की गई तो भारत के कपड़े को एक नाम दिया गया, कस्तूरी कॉटन। कस्तूरी कॉटन की चमक और धमक को
पूरे विश्व में बिखेरना है ना, तो कस्तूरी कॉटन को पूरे विश्व में बिखेरने के लिए इस योजना को लाया गया। आने वाले 3 सालों में 7 नई मित्रा योजनाओं को और भी घोषित किया जाएगा। सरकार इस वाले कार्यक्रम पर, कपड़ा उद्योग पर तेजी से फोकस कर रही है और इसी का परिणाम आपको इसके रूप में दिख रहा है। तो इसको आपको याद रखना है। सबसे बड़ी बात आपको याद रखना है कि अगर ये शब्द कभी आए कि मित्रा, जिसकी चर्चा इस बजट में की गई, इसका सीधा संबंध किससे है, तो मित्रा का संबंध किससे है बेटा, कपड़ा उद्योग से है। आइए आगे बढ़ते हैं। मिशन पोषण 2.0 है ना। देखिए, पोषण पर पोषण बुनियादी जरूरत है और पोषण पर सबका समान हक है। पोषण के लिए अलग अलग 2 योजनाएं चल रही थी, दोनों योजनाओं को एक साथ ले लिया गया। हमारी वित्त मंत्री जी ने घोषणा की पूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान, इन दोनों को एक साथ लेकर हमने बनाया पोषण 2.0। तो आपसे पूछा जाएगा पोषण 2.0 में किन किन कार्यक्रमों का विलय किया गया, तो पूरक पोषण कार्यक्रम का भी विलय किया गया, पोषण अभियान का भी विलय किया गया, और इन्हीं दोनों का विलय करके जो कार्यक्रम आया वो क्या है, पोषण 2.0। प्रारंभिक रूप में 112 जिलों में इसे लागू किया जाएगा बेटा। जिन 112 जिलों में इसे लागू किया जा रहा है उनको कहा गया है आकांक्षी जिले। क्या कहा गया है, आकांक्षी जिले। तो आपको यह भी याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाए आकांक्षी जिले क्या है, जिन 112 जिलों में पोषण 2.0 कार्यक्रम को सबसे पहले लागू किया जा रहा है वो आकांक्षी जिले है। अब एक लाइन ध्यान से समझिए, इसका उद्देश्य क्या है, पोषक तत्वों को बढ़ाना, इसके साथ साथ इनकी आपूर्ति, पहुंच और परिणाम को और बेहतर करना, इसीलिए मिशन पोषण 2.0 है। किस किस मंत्रालय को और कहां कहां बुनियादी स्तर पर इसको जिम्मेदारी दी गई है, तो सबसे नीचे वाली लाइन को याद रखिए, महिला और बाल विकास मंत्रालय को इसके लिए 24,435 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 को 20,105 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है ना। इससे 112 जिलों में पोषण संबंधी परिणामों को और बेहतर करने के लिए गहन रणनीति अपनाई जाएगी और इसी के लिए यह फंड अलॉटमेंट किया गया है। आइए आगे चलते हैं। व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी है ना, जब आपकी गाड़ी पुरानी हो जाए तो आप गाड़ी को चलाते रहते हैं, क्योंकि जब गाड़ी नई होती है तो वो बेहतर चलती है, लेकिन जैसे जैसे गाड़ी पुरानी होती है गाड़ी प्रदूषण करने लगती है, अलग अलग तरह से अलग अलग तरीके के नुकसान करती है जो हमारे लिए अच्छे नहीं है। इसके लिए सरकार एक पॉलिसी लेके आई है, निजी वाहनों के लिए अलग है और सरकारी वाहनों के लिए अलग है, व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी। अब ध्यान से इसको देख लीजिए, 21-22 का आम बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जब पेश किया, पुराने और प्रदूषण फैला रहे वाहनों को हटाने के लिए बहुप्रतीक्षित स्वैच्छिक वाहन कबाड़ नीति, इसका नाम क्या है, स्वैच्छिक वाहन कबाड़ नीति, जिसको इंग्लिश में हमने कहा गया व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी की घोषणा की। इसके तहत 15 वर्ष पुराने कमर्शियल व्हीकल को, अगर कमर्शियल व्हीकल है तो कितना वर्ष होना चाहिए, 15 वर्ष पुराने स्क्रैप किया जाएगा, यानी उन्हें स्क्रैप करने का मतलब होता है उन्हें सड़कों पर चलाने की अनुमति नहीं देगी, और अगर आपका निजी वाहन है, प्राइवेट वाहन है, तो 20 वर्ष के बाद उन्हें स्क्रैप किया जाएगा, 20 वर्ष के बाद उन्हें सड़कों पर चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आप वेटरन और विंटेज वाहनों के रूप में उन्हें अपने शोरूम में रख सकते हैं, लेकिन यह पर्यावरण प्रदूषण अगर करेंगे तो ऐसी अनुमति नहीं दी जाएगी। तो आपको 2 बिंदु याद रखने हैं, व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी किस चीज के लिए है, वाहनों के लिए है ना, और इसका नाम क्या है, स्वैच्छिक वाहन कबाड़ नीति है ना, 15 वर्ष कमर्शियल वाहन के लिए है और 20 वर्ष प्राइवेट वाहन के लिए है, इसके बाद वाहन को स्क्रैप कर लिया जाएगा अर्थात उन्हें रोड पर चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी, ध्यान रखना है। ठीक है, आइए 15वें वित्त आयोग की अंतिम रिपोर्ट है ना, तो इसका नाम क्या था, एनके सिंह। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे बताइए, एनके सिंह जी 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, और 2021-22 से लेकर 2025-26 तक के लिए इन्होंने 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट को अभी हाल ही में राष्ट्रपति जी को सौंपा और इस रिपोर्ट का इन्होंने नाम दिया कोविड काल में वित्त आयोग है ना, कोविड काल में वित्त आयोग। इसकी मुख्य सिफारिशें जो थी,
15वें वित्त आयोग ने विशेष रूप से कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर संसाधनों के पूर्वानुमान और स्थिरता को बनाए रखने के लिए ऊर्ध्वाधर विचलन को 41% पर बनाए रखने की सिफारिश की है। 41% पर बनाए रखने की सिफारिश की है, किसको? ऊर्ध्वाधर विचलन को, है ना। तो ये आपको बहुत जरूरी याद रखना है। इसके अलावा आपको बस इतना ही याद रखना है कि एनके सिंह इसके अध्यक्ष थे और कोविड काल में वित्त आयोग इस रिपोर्ट का नाम है। समय अंतराल क्या है? वर्ष 2025-26 तक, 2021-22 से लेकर। आइए आगे बढ़ते हैं। स्विच दिल्ली अभियान, है ना। पहले पेट्रोल, पेट्रोल से फिर डीजल और डीजल से फिर इलेक्ट्रिकल, है ना। उद्देश्य क्या है? दिल्ली में नए नए प्रयोग होते रहते हैं, है ना। इवन ऑड, है ना, आपने देखा कि इवन ऑड कार चलाने का प्रयोग दिल्ली में हो चुका है और दिल्ली ऐसे नए नए प्रयोग करता रहता है। तो यहां पे स्विच दिल्ली अभियान, 4 फरवरी 2021 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए स्विच दिल्ली अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि देश की राजधानी में प्रदूषण से मुकाबले के लिए वो इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदें और आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट बहुत तेजी से बढ़ने वाला है, क्योंकि लगभग सभी कंपनियां इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ अपने अपने प्रोजेक्ट को निकाल चुकी हैं और अपने अपने नए प्रोजेक्ट को लेके आ रही हैं। तो आने वाला जो समय होगा 10 से 12 वर्ष बाद, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट होगा, है ना। चार पहिया का जो मार्केट होगा या पर्सनल व्हीकल का जो मार्केट होगा वो इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट होगा, ये आप निश्चित रूप से समझे रहिए, क्योंकि सरकार भी नई नई योजनाओं को लेके आ रही है। अभी मैंने आपको स्क्रैप बताया था कि 15 साल और 20 साल बाद कारों को चलने की अनुमति नहीं होगी। चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया और इस उपलक्ष्य में एक डाक टिकट भी जारी किया गया। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को, याद रखिएगा, क्योंकि कोई ऐतिहासिक घटना जब किसी वर्ष अपने शताब्दी समारोह को मनाती है या ऐसी कोई घटना होती है तो उस वर्ष को या उस घटना के वर्ष को जरूर आपसे पूछ लिया जाता है। इस उपलक्ष्य में एक डाक टिकट भी जारी किया गया, है ना। और किसानों को सशक्त बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। 1000 मंडियों को ई नेम से जोड़ा जाएगा, है ना। 1000 मंडियों को ई नेम से जोड़ा जाएगा, उन्होंने घोषणा की किसानों के फायदे के लिए। उन्होंने कहा कि अब देश का प्रयास है हर गांव और हर कस्बे को इतना मजबूत करना है कि स्वास्थ्य के दिशा में छोटी छोटी बीमारियों के लिए प्रत्येक किसान को, प्रत्येक गरीब आदमी को, मध्यम वर्गीय आदमी को शहर की तरफ ना भागना पड़े, बल्कि गांव में भी स्वास्थ्य सुविधाओं को बहुत बेहतर करने की जरूरत है। यह उन्होंने अपने उद्बोधन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहा। तो आपको याद रखना है कि इस किस ऐतिहासिक घटना के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया गया? चौरी चौरा के, है ना। तो चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव। रेपो रेट 4% बरकरार है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अभी जो बैठक की उसमें उन्होंने आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने घोषणा की पॉलिसी की, जिसमें रेपो रेट को 4% बरकरार रखा गया है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक बैठक में रेपो रेट को कितने प्रतिशत बरकरार रखा गया है? 4% बरकरार रखा गया है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है फ्लैश फ्लड उत्तराखंड। आपने देखा कि उत्तराखंड में अभी एक ऐसी घटना घटी, है ना, जिससे फिर से तबाही हुई, बहुत नुकसान हुआ, जान माल का भी काफी नुकसान हो गया, है ना। उत्तराखंड में एक घटना इससे पहले भी घट चुकी है, हम सभी लोग जानते हैं। अब इस घटना के कुछ फैक्चुअल ऐसे पक्ष हैं जो आपको याद रखना है। किस जिले में हुई? चमोली जिले में हुई। नाम क्या दिया गया? फ्लैश फ्लड, है ना। चमोली जिले में हुई, तपोवन रेणु क्षेत्र में। ये 2-3 डिटेल जरूर याद रखिएगा। उत्तराखंड के चमोली जिले के तपोवन रेणु क्षेत्र में एक ग्लेशियर के टूटने से धौली गंगा और अलकनंदा नदियों में, किन दो नदियों में बेटा? धौली गंगा और अलकनंदा नदियों में बड़े पैमाने पर फ्लैश फ्लड की घटना हुई, जिससे ऋषि गंगा बिजली परियोजना को काफी नुकसान हुआ। कौन सी परियोजना को बेटा नुकसान हुआ? मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, आपको भी लिखना है। ऋषि गंगा बिजली परियोजना को काफी नुकसान हुआ। यह घटना ऋषि गंगा नदी में नंदा देवी ग्लेशियर के एक हिस्से के गिरने से हुई, जिससे पानी की मात्रा में अचानक वृद्धि हो गई। वैज्ञानिकों द्वारा बाढ़ के लिए ग्लेशियल लेक आउट वेस्ट फ्लड एक बड़ा कारण माना जा रहा है। हालांकि यहां तक आपके एग्जाम में नहीं पहुंचेगा, फिर भी डिटेल्स को आप एक बार देख लीजिएगा
ऋषि गंगा बिजली परियोजना को काफी नुकसान हुआ है। चमोली जिले के रेणु तपोवन क्षेत्र में ग्लेशियर के टूटने के कारण धौली गंगा और अलकनंदा नदियों में बड़े पैमाने पर फ्लैश फ्लड हुआ। विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2021 10 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन की थीम याद रखना है, अपने साझा भविष्य को पुनर्परिभाषित करना, है ना, अपने साझा भविष्य को पुनर्परिभाषित करना, सभी के लिए संरक्षित और सुरक्षित वातावरण थी। इस शिखर सम्मेलन को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया गया। बेटा जरूर याद रखिएगा, तीन मंत्रालय ने इस आयोजन को संपन्न कराया। तीन मंत्रालय कौन कौन से थे अंडरलाइन कर लीजिए, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। तीन मंत्रालय की यहां पे हिस्सेदारी थी। अगला बिंदु ले लेते हैं, 14 फरवरी अर्जुन टैंक M1A। 14 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तमिलनाडु के दौरे के दौरान अर्जुन टैंक M1A को सेना को सौंपा। यह टैंक अत्याधुनिक क्षमता से लैस पूर्णतः स्वदेशी टैंक है ना, तो अर्जुन टैंक M1A इस बार सेना में शामिल हुआ तमिलनाडु में। फास्टैग अनिवार्य, 16 फरवरी 2021 से सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया। राजमार्गों के टोल प्लाजा पर सभी लेन फास्टैग लेन घोषित हो गए, है ना। राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क अधिनियम 2008 के अनुसार बिना समुचित फास्टैग के किसी टोल प्लाजा की फास्टैग लेन में प्रवेश करने पर वाहन को निर्धारित शुल्क से दुगना भुगतान करना होगा। आपको एक चीज मालूम है कि यह टोल कलेक्शन कौन करता है, NETC करता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, है ना, NETC नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। फास्टैग में आपको एक चीज और याद रखना है, जब भी आप फास्टैग का सिंबल देखते हैं तो उसका लोगो या थीम है इजी टू क्रूज। क्या है, इजी टू क्रूज थीम है। जब भी आप फास्टैग देखेंगे तो फास्टैग के नीचे लिखा होगा उसकी थीम के रूप में इजी टू क्रूज, है ना। तो दो चीजों का संबंध सीधे सीधे इससे है, NETC का जिसके कलेक्शन को करता है और इजी टू क्रूज इसका लोगो है। 16 फरवरी 2021 से अब पूरे भारत में इसको लागू कर दिया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं, महाराजा सुहेलदेव स्मारक कहां पर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश में महाराजा सुहेलदेव स्मारक और चित्तौरा झील के विकास कार्य की आधारशिला रखी। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री जी ने महाराजा सुहेलदेव स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय बहराइच का भी लोकार्पण किया। तो अगर आपसे पूछा जाए महाराजा सुहेलदेव स्मारक किस राज्य से संबंधित है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है, इतना ही बस याद रखना है। और महाराजा सुहेलदेव स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय कहां पर है, बहराइच में है। हाल ही में इसकी घोषणा की गई है, प्रधानमंत्री जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, गुलाम नबी आजाद आप जानते हैं कि उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। 16 फरवरी 2021 से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में विपक्ष के नेता बन गए हैं। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने मल्लिकार्जुन खड़गे को राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता दे दी। राज्यसभा की ओर से इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी हो गया है। आइए आगे बढ़ते, तो अब राज्यसभा में विपक्ष कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्ष के नेता है, तो आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा में विपक्ष का नेता इस समय कौन है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। आइए, पहला ऑनलाइन खिलौना मेला 17 फरवरी 2021 को केंद्र सरकार ने 27 फरवरी से 2 मार्च 2021 तक भारत का पहला ऑनलाइन खिलौना मेला आयोजित किए जाने का ऐलान किया। इस अवसर पर भारत खिलौना मेला इंडिया टॉय फेयर 2021 के लिए वेबसाइट को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, रमेश पोखरियाल निशंक और पीयूष गोयल ने संयुक्त रूप से लॉन्च किया। अब सुन लीजिए इसके बारे में थोड़ा सा, भारत की लोक कलाओं, भारत की संस्कृति, भारत के प्रत्येक प्रदेश के नायक, हम सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध हैं, है ना। निर्णय लिया गया है कि हम ऐसे खिलौने बनाएं जो हमारी लोक कलाओं को दिखाते हों, हमारी संस्कृति को दिखाते हों, हमारे राष्ट्रवाद से हमारी पहचान कराते हों, हमारे देश और प्रदेश के नायकों से हमारी पहचान कराते हों, और इसको आधुनिकता प्रदान करने के लिए
इस तरीके के आयोजन किए जा रहे हैं और टॉय हैकाथन भी इसका एक मील का पत्थर इसमें साबित हो रहा है। लगभग 33 करोड़ युवाओं को इस इंडस्ट्री से जोड़ने की कवायद चल रही है ना। तो ये ऑनलाइन खिलौना मिला तो अलग विषय हो गया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि खिलौनों के माध्यम से है ना अपनी संस्कृति को उजागर करने का प्रयास, अपने राष्ट्रवाद को उजागर करने का प्रयास, अपनी लोक कलाओं को उजागर करने का प्रयास मंत्रालय कर रहे हैं। 5 मंत्रालयों की संयुक्त योजना है टॉय हैकाथन नाम से, जिसके बारे में मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। 33 करोड़ युवाओं को इससे जोड़ने की बात हो रही है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। गो इलेक्ट्रिक अभियान 19 फरवरी 2021 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी गो इलेक्ट्रिक अभियान को लॉन्च किया। इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लाभों के संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए अभियान शुरू किया गया है ना। तो गो इलेक्ट्रिक अभियान, नितिन गडकरी जी जिस विभाग में भी होते हैं बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं। परिवहन विभाग को भी उन्होंने बहुत बदल के रख दिया गया है, एक्सीलेंट वर्क उन्होंने परिवहन विभाग में किया है। आज प्रत्येक परिवहन की दिशा और दशा को हम लोग देखते हैं तो वहां पर परिवर्तन हमें साफ रूप से स्पष्ट परिलक्षित होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो गो इलेक्ट्रिक अभियान ध्यान रखिएगा। पुदुचेरी प्रकरण, पुदुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी ने विश्वास मत हासिल करने में असमर्थ रहे और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो पुदुचेरी के जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? वी नारायण स्वामी, और इन्हें हाल ही में इस्तीफा देना पड़ा, इनकी सरकार गिर गई। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम 24 फरवरी 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन अहमदाबाद में किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने घोषणा की कि इस स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम होगा। इसके बाद अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम का नाम अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी की आपको जरूरत है। देखिए, एक बहुत बड़ा स्पोर्ट एंक्लेव अहमदाबाद में बनाया जा रहा है, जिसमें लगभग जितनी भी प्रतिस्पर्धाएं आपकी होती हैं उन सभी प्रतिस्पर्धाओं के लिए अलग अलग जगह एलोटेड है, और उस एंक्लेव का एक छोटा सा हिस्सा इस स्टेडियम के रूप में था जो क्रिकेट के लिए बनाया गया था। यह विश्व का सबसे अधिक क्रिकेट की क्षमता वाला स्टेडियम है, जहां पर सबसे अधिक लोग बैठ सकते हैं। इस स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर रखा गया, और पूरे एंक्लेव का नाम आज भी सरदार पटेल के नाम पर है। और इस पर आपने देखा कि राजनीतिक रूप से काफी विवाद भी रहा, तो आपको यह याद रखना है। सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड है दुनिया का, इस स्टेडियम में बैठने की क्षमता ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम से भी ज्यादा है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने घोषणा की कि हमने यहां इस तरह की सुविधाएं कर दी हैं कि 6 महीने में ओलंपिक, एशियाड और कॉमनवेल्थ जैसे खेलों का आयोजन हम यहां पे कर सकते हैं। भारत के लिए एक प्रगति की बात है, क्योंकि भारत में इससे पहले ही एक ऐसा प्रयास किया गया था, लेकिन वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया था दिल्ली में, आप सभी लोग जानते हैं। तो अगर ऐसा एकाद वेन्यू भारत में हो जाए तो यह भारत की वैश्विक रूप से साख को बढ़ाएगा ही। आइए अगले बिंदु को देखते हैं। नई गाइडलाइन 25 फरवरी 2021 को केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म, ओटीटी का फुल फॉर्म होता है ओवर द टॉप। इस समय आपने देखा है कि अलग अलग तरीके से, जब कोरोना काल हुआ तो सिनेमा हॉल बंद हो गए, और सिनेमा हॉल बंद हो गए तो ऐसे प्लेटफॉर्म का महत्व एकदम से बढ़ गया, क्योंकि मनोरंजन व्यक्ति के जीवन में एक प्रमुख विषय वस्तु के रूप में है, इसके बिना कोई रह नहीं सकता, और कोरोना काल में इसका विकल्प नहीं था। बहुत सारी सोशल मीडिया साइट्स ऐसी हैं है ना, बहुत सारे चैनल ऐसे हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिनको हम लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म कहते हैं है ना। सरकार ने इनके लिए नई गाइडलाइन तय कर दी है, क्योंकि कई इसमें कंटेंट ऐसे हैं जो कंटेंट समाज को नुकसान पहुंचा सकते हैं, या समाज में युवा वर्ग के लिए वो सही नहीं है, है ना, समाज में सौहार्द के लिए वो सही नहीं है, और इसके लिए प्रयास किया गया है। तो अब सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया के इस्तेमाल के दुरुपयोग को देखते हुए इस पर नई गाइडलाइन जारी की गई है। इस गाइडलाइन के कुछ मुख्य बिंदु मैं आपको बता देता हूं, जिससे आपको चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि किस दिशा की ओर आपको ले जा रहा है। सरकार के अनुसार नई गाइडलाइन के दायरे में फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजन प्राइम हो गया, ये सब आएंगे। नए दिशा निर्देशों के अनुसार शिकायत के 24 घंटे के अंदर इंटरनेट मीडिया से आपत्तिजनक कंटेंट को हटाना होगा, और बहुत जरूरी भी है, क्योंकि आपने देखा कि इस समय
कई ऐसी वेब सीरीज रिलीज हुई हैं जिन्होंने सोसाइटी को बहुत नुकसान पहुंचाया है या जो बिल्कुल भी सही दिशा में नहीं थी। आगे इस तरीके के प्रयास को अभी से अगर रोक लिया जाएगा, कमांड कर लिया जाएगा, तो हमारी सोसाइटी और समाज के लिए बेहतर होगा। आइए अगला चलते हैं, भीमबेटका और जीवाश्म, है ना। आप जानते हैं भीमबेटका के बारे में, मध्य प्रदेश के भोपाल से 40 किलोमीटर यह स्थान दूर है। यूनेस्को के संरक्षित क्षेत्र में भी आता है भीमबेटका। दुनिया के सबसे पुराने जानवर का जीवाश्म खोजा गया है, ठीक है। लगभग 57 करोड़ वर्ष पुराना है और इसका नाम डिकनासोनिया है। डिकनासोनिया है ना। देश में पहली बार इस जानवर का जीवाश्म मिला है, याद रखिएगा, ठीक। आइए, गोवर्धन योजना पोर्टल, जल शक्ति मंत्रालय की योजना है। गोवर्धन योजना पर एक एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की गई, जिसे गोवर्धन योजना पोर्टल किया गया है ना। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण के तहत प्राथमिकता कार्यक्रम के तौर पर गोवर्धन योजना को अपनाया जा रहा है, इसी के लिए यह पोर्टल आपका आयोजित किया गया है। भारत पर्व 2021 26 से 31 जनवरी तक पर्यटन मंत्रालय द्वारा मनाए गए आभासी मंच पर वार्षिक कार्यक्रम भारत पर्व 2021 मनाया गया। इस कार्यक्रम को आप इंपोर्टेंट लिख के याद रखिएगा, क्लियर। इस विशाल आयोजन का उद्देश्य आम नागरिकों में देशभक्ति की भावना उत्पन्न करना, देशभक्ति, देश की समृद्धि एवं सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करना। इस वार्षिक कार्यक्रम के दौरान पर्यटन मंत्रालय द्वारा 3 आभासी मंडप समर्पित किए गए, देखो अपने देश, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और अतुल्य भारत शामिल है ना। इन तीनों मंडपों का नाम क्या था? पहला मंडप था देखो अपने देश, दूसरा मंडप था स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और तीसरा मंडप था अतुल्य भारत, इनक्रेडिबल इंडिया। भारत पर्व का आयोजन आत्मनिर्भर भारत तथा एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर किया गया। किस पर किया गया? आत्मनिर्भर भारत और एक भारत तथा श्रेष्ठ भारत। जब हम किसी मैगजीन को पढ़ते हैं तो उसमें आपके लिए बहुत विस्तृत जानकारी दी गई है, हमें इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें हर महीने के करंट को छोटे छोटे पॉइंट्स में पढ़ने की जरूरत है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज आप लोगों से कहूंगा, आप सभी को अगर मेरे लिए कोई भी सुझाव हो, संस्था के लिए कुछ सुझाव हो, तो मैं आप लोगों से सीधे तो प्रत्यक्ष रूप से ऐसे जुड़ता हूं, लेकिन आपसे बातचीत, आपके सुझाव हमें नहीं मिल पाते, तो मैं आप सभी लोगों को सादर आमंत्रित करता हूं अपनी फेसबुक पर, और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग मेरे फेसबुक से जरूर जुड़े, है ना। तो मैं अपने फेसबुक को आपको यहां पे बताता हूं कि आप कैसे मेरे फेसबुक से जुड़ सकते हैं। यह मेरा प्रोफाइल है, आप मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट मत भेजिए, मैं आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट की सीमा को ऑलरेडी पार कर चुका हूं। तो मैं पूरी विनम्रता से आपसे अनुरोध करता हूं कि मैं आपसे फेसबुक पर जुड़ना चाहता हूं, आप सभी लोग मुझसे फेसबुक पर जुड़े, आप मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। आप रवि पितिवारी सर्च करिए, जैसे आप रवि पितिवारी सर्च करेंगे इसी प्रोफाइल पर, क्योंकि मेरे नाम से कई लोगों ने अलग अलग प्रोफाइल भी बना लिए हैं, तो ये मेरा जेन्युइन प्रोफाइल है, जो मेरा ऑफिशियल प्रोफाइल है, आप इस पर जाइए और आप सभी लोग मुझे इस पर फॉलो कर लीजिए, है ना। जैसे आप फॉलो करेंगे, आप मेरे इनबॉक्स में अपने मैसेज को डाल सकते हैं, और मैं आपसे वादा करता हूं आपके जो भी सुझाव होंगे, आपकी जो भी समस्या होगी, आपको कभी भी मेरी जरूरत होगी, तो मैं आप सभी लोगों के लिए खड़ा रहूंगा। तो आप सभी लोगों से विनम्र अनुरोध है कि आप सभी लोग मुझे फेसबुक के माध्यम से कनेक्ट हो, मुझसे जुड़े, जिससे संवाद का एक नया माध्यम मेरा आपके साथ स्थापित हो चुके। आइए आते हैं अपने विषय बिंदु पर, जहां पर हम लोग यहाँ पर थे। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे आपसे यहाँ पे भारत पर्व 2021 की। आगे बढ़ते हैं, तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी द्वारा भुवनेश्वर में वार्षिक तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला का उद्घाटन किया गया। आपको बस ये देखना है कि इसका संबंध कहां से है। तो इसका संबंध कहां से है? उड़ीसा है, से है। कल्चरल करंट जब आपसे पूछा जाता है तो आपसे सीधे सीधे इन चीजों को पूछ लिया जाता है, किसका सीधा सीधा संबंध कहां से। तो तोसाली शिल्प मेले का सीधा सीधा संबंध कहां से? उड़ीसा से है। आगे बढ़ते हैं, 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर है ना। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज प्रत्येक वर्ष एक शब्द को हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुनता है, तो 2020 में आत्मनिर्भरता शब्द को हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज द्वारा चुना गया। इससे पहले 2017 में आधार को चुना गया था, 2018 में नारी शक्ति को चुना गया था, और 2019 में संविधान को हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया था, 2020 में आत्मनिर्भरता शब्द को हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य की बात कर लेते हैं। सबसे पहले म्यांमार प्रकरण, आप सभी लोग जानते हैं 2021 को म्यांमार की सेना ने अपने देश की सरकार का तख्ता पलट कर दिया।
हमारे पड़ोसी तख्ता पलट करते रहते हैं और तख्ता पलट की हमें जो सुनने की आदत भी है और बहुत दिनों से तख्ता पलट हुआ नहीं। क्या जहां का संविधान स्पष्ट ना हो या जहां का संविधान पूरी परिपक्वता से बन के ना आया हो, जहां पर लोकतंत्र के लिए अभी भी काफी गुंजाइश बची हो, वहां पर ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती है। हमारे पड़ोसियों में अक्सर ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं। म्यांमार में इस समय हुआ है कि सरकार का तख्ता पलट कर दिया गया और एक साल के लिए देश में आपातकाल घोषित कर दिया गया। तो अभी हाल ही में एक वर्ष के लिए देश में आपातकाल घोषित करके किस देश में सेना का तख्ता पलट किया गया? म्यांमार में। ठीक है, म्यांमार की शक्तिशाली सेना ने देश की राज्य काउंसलर आंग सान सू की, जिन्होंने बहुत संघर्ष किया है लोकतंत्र को बचाने के लिए और कई अन्य नागरिक नेताओं को भी हिरासत में ले लिया, म्यांमार की सेना की इस कदम की कई अन्य देशों में ने निंदा की है ना। तो बिल्कुल निंदा करेंगे क्योंकि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। आइए, लोकतंत्र सूचकांक 2020 3 फरवरी 2021 को इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU के द्वारा 167 देशों का लोकतंत्र सूचकांक 2020 जारी किया गया। डेमोक्रेसी इन सिकनेस एंड इन हेल्थ शीर्षक वाले, इसका शीर्षक क्या था? डेमोक्रेसी इन सिकनेस एंड इन हेल्थ शीर्षक वाले EIU के ताजा लोकतंत्र सूचकांक में नॉर्वे को शीर्ष स्थान मिला है, दूसरे स्थान पर आइसलैंड है, तीसरे पर स्वीडन है, चौथे पर न्यूजीलैंड है और पांचवें पर कनाडा है। भारत को 53वां स्थान मिला है। भारत का स्थान कौन सा है? 53वां है, याद रखिएगा। आइए, पहला ऊर्जा क्षेत्र द्वीप कहां पर? डेनमार्क में। डेनमार्क ने विश्व के पहले ऊर्जा क्षेत्र द्वीप के निर्माण की योजना को अपनी मंजूरी दे दी है। तो डेनमार्क का नाम याद रखना है। तो पहला ऊर्जा क्षेत्र द्वीप कहां पर? डेनमार्क में। और डेनमार्क, इसका निर्माण उत्तरी सागर में किया जाएगा। कहां किया जाएगा? उत्तरी सागर में किया जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला विषय बिंदु है बायो एशिया 2021, है ना। 22 से 23 फरवरी 2021 के बीच बायो एशिया का 18वां संस्करण आयोजित किया गया। इसका आयोजन मूव द नीडल थीम के तहत किया गया। इस बार बायो एशिया इवेंट COVID-19 फार्मा, मेडटेक और वैश्विक स्वास्थ्य पर केंद्रित था। इस आयोजन में कई प्रकार के पैनल शामिल हुए। पैनल ने इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि कैसे COVID-19 महामारी के कारण जीव विज्ञान उद्योग में किस प्रकार से बदलाव आए हैं, मतलब मेडिकल इंडस्ट्रीज में किस प्रकार से बदलाव आए हैं और उन चुनौतियों का सामना आगे किस प्रकार से किया जा सकता है। आइए, WTO के नए महानिदेशक है ना, कौन है? नाइजीरियाई अर्थशास्त्री नागोजी ओकांजो इवेला, नाम जरूर याद रखिएगा। नागोजी ओकांजो इवेला को विश्व व्यापार संगठन WTO के अगले महानिदेशक के रूप में चुना गया। वे संगठन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला और साथ ही पहली अफ्रीकी होंगी, है ना। पहली महिला भी है और पहली अफ्रीकी है, अर्थशास्त्री है। नाइजीरिया के पूर्व वित्त मंत्री ओकांजो इवेला रॉबर्टो अजे वेदो की जगह लेगी, जिन्होंने अगस्त 2020 में पद को छोड़ दिया था। अमेरिका पेरिस जलवायु समझौते से अलग होने के 107 दिनों बाद एक बार फिर से आधिकारिक तौर पर इसमें शामिल हो गया। देखिए, मानव अधिकार परिषद से भी वो अलग हुआ था और जलवायु समझौते से भी, वो पेरिस जलवायु समझौते से भी अलग हुआ था, लेकिन जैसे ही सरकार बदली सारे कार्यक्रम और विचार भी बदल गए। 107 दिनों के बाद फिर से आधिकारिक तौर पर इसमें शामिल हो गया। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने इन्हें इसे दुनिया के लिए आशा का दिन बताया, है ना, आशा का दिन बताया इसे पूरी दुनिया के लिए। फरवरी कई मामलों में महत्वपूर्ण है। सऊदी अरब ने हाल ही में महिलाओं को सेना सशस्त्र सेनाओं में शामिल होने की अनुमति दी। तो आपको इतना याद रखना है, महिलाओं को सशस्त्र सेना में शामिल होने की अनुमति देने वाला अभी हाल ही में कौन सा राष्ट्र है? सऊदी अरब ने यह अनुमति दी। फिर संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने हाल ही में वर्ष 2020 को रिकॉर्ड पर सबसे खराब वर्ष के तौर पर अपनी पुष्टि प्रदान की है। वैश्विक पर्यटन को COVID-19 के प्रकोप को रोकने के लिए लागू अंतरराष्ट्रीय यात्रा प्रतिबंधों के कारण काफी बड़े पैमाने पर नुकसान उठाना पड़ा। बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनकी रोजी रोटी और इनके मुख्य स्रोत जो है जिनकी कमाई का, वो पर्यटन है ना। और पर्यटन के लिए 2020 सबसे खराब वर्ष इसलिए रहा क्योंकि सारी फ्लाइटें प्रतिबंधित थी, एक देश से दूसरे देश में आवागमन प्रतिबंधित था, पर्यटन के लिहाज से देशज आवागमन भी प्रतिबंधित था। इसलिए पर्यटन के लिए सबसे खराब वर्ष इसको दिया गया है ऑन रिकॉर्ड।
संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने, मैंने अभी चर्चा की, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिर से शामिल होने का निर्णय लिया। वर्ष 2018 में डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में परिषद से हटने का फैसला किया गया था और इस फैसले को फिर बदलते हुए इन्होंने फिर से जो है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में शामिल होने का निर्णय लिया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में अमेरिका को फिर से शामिल होने के निर्णय का स्वागत किया और वहां पर उन्होंने इसे आशा का दिन बताया था। COVID-19 से संबंधित वी वेयर ऐप पासपोर्ट से संबंधित है। 18 फरवरी 2021 को बहरीन डिजिटल 90 टीकाकरण पासपोर्ट लॉन्च करने वाले देशों में पहला देश बन गया है ना, पहला देश है जिन्होंने बहरीन डिजिटल 90 टीकाकरण पासपोर्ट को लॉन्च किया। बहरीन ने बी अवेयर ऐप लॉन्च किया जिसके द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र पाया जा सकता है। तो बी अवेयर ऐप किस देश से संबंधित है आपको याद रखना है, बहरीन से संबंधित है। उत्तर प्रदेश विशेष, 16 फरवरी 2021 को बसंत पंचमी के दिन 18 मंडलों में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग की अभ्युदय योजना को शुरू किया। जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं वो अपने अपने जिलों में, अपने अपने मंडलों में इस योजना को प्रारंभ करेंगे और उसमें अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। उद्यम सारथी ऐप, 24 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी दिवस के मौके पर युवाओं को स्वरोजगार और उद्योग के लिए उद्यम सारथी ऐप लॉन्च किया। रोजगार और व्यापार की तलाश में युवाओं को अब इधर उधर नहीं भटकना होगा। एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत तैयार इस ऐप को युवाओं के लिए महत्वपूर्ण मास्टर कुंजी माना जा रहा है। तो उद्यम सारथी ऐप का सीधा सीधा संबंध स्वरोजगार से है ना, और ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया। खेल और पुरस्कार देख लेते हैं। 10 फरवरी 2021 को 87वें फेमिना मिस इंडिया 2020 सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन हयान रेजेंसी होटल मुंबई में हुआ। इस प्रतियोगिता में मानसा वाराणसी, ये तेलंगाना की है लेकिन इनका सरनेम वाराणसी है, आप यूपी के चक्कर में कंफ्यूज मत हो जाइएगा, फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब जीता है। उत्तर प्रदेश की मान्या सिंह को इस प्रतियोगिता में उप विजेता घोषित किया गया। ऑस्कर के लिए अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म की दौड़ से भारत की आधिकारिक प्रविष्टि जो थी वो जलीकट्टू, वो बाहर हो गई है। जलीकट्टू को आधिकारिक प्रविष्टि मिली थी लेकिन अब वो बाहर हो गई है, लेकिन अपनी लघु फिल्म बिट्टू के साथ देश लघु फिल्म श्रेणी में अब भी मुकाबले में है। ऑस्कर अवार्ड 2021 के लिए दुनिया भर की फिल्मों के बीच में कड़ी टक्कर चल रही है। भारत की तरफ से आखिरी बार आशुतोष गोवरीकर की लगान ने वर्ष 2001 में सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फिल्म की श्रेणी में अंतिम पांच में जगह बनाई थी। उससे पहले भारत की दो फिल्में मदर इंडिया और सलाम बॉम्बे आखिरी पांच फिल्मों की सूची तक पहुंची थी। 17 फरवरी 2020 को दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज बल्लेबाज फाफ डु प्लेसिस ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। आइए, ऑस्ट्रेलियाई ओपन, मैंने कल आपको बताया भी था, कल मैं आपको खेल का पूरा एक संपूर्ण एपिसोड देने वाला हूं जिसमें पूरी वार्षिकी है और बस के खेल की पूरी जानकारी उस एपिसोड में आपको दी जाएगी। मैं कुछ वार्षिकी शुरू कर रहा हूं, मैं आपको पहले ही घोषणा कर दूं है ना। इस वार्षिकी में आपके लिए क्या है मैं आपको बता देता हूं। यहां पर जैसे खेल, तो खेल में 2020 और 2021 में इस एक वर्ष में जितना भी खेल आयोजन हुआ है, जो भी प्रमुख चीजें रही हैं खेल में, उन सब को एक साथ एक एपिसोड में 25 प्रश्न उत्तर सहित, मैं वादा करता हूं कि खेल की एक भी विषय वस्तु इस एपिसोड से आपकी बाहर नहीं होगी। यह एपिसोड कल आपको मिलेगा और मैं यह भी बता देता हूं कि ऐसे 15 एपिसोड के माध्यम से मैं आपको करंट अफेयर्स पूरा कराऊंगा जिसमें खेल हो गया, पुरस्कार हो गया, आर्थिकी हो गया, विज्ञान हो गया, पर्यावरण हो गया, चर्चित स्थान हो गया, चर्चित व्यक्ति हो गया, प्रमुख वर्ष दिवस हो गया, पुस्तकें हो गया, ऐसे जितने भी एपिसोड हैं आपके 15 एपिसोड के माध्यम से इसको पूरा कराऊंगा। तो अब तीन पोर्टफोलियो करंट अफेयर्स के अपने साथ एक साथ चलेंगे। एक तो रटलो श्रृंखला को आप पसंद करते हैं, दूसरा मासिक वैक्सीन चलेगा जो इस समय चल रहा है जिसको आप देख रहे हैं, और तीसरा
ये वार्षिकी जो एपिसोड है ये भी मैं समय समय पर आप लोगों को प्रदान करता रहूंगा। आप लोगों के ऐसा ही स्नेह और प्रेम मिलता रहे, आपको बाजार से एक भी मैगजीन खरीदने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि बाजार में जो मैगजीन है उनमें बहुत कचरा है, उतने कचरे को अपने दिमाग में स्टोर करने की जरूरत नहीं है। आपको करंट अफेयर्स के लिए बहुत सिलेक्टेड पढ़ने की जरूरत है प्रत्येक पक्ष में। आइए अपनी चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई ओपन 21 फरवरी 2021 को विश्व के नंबर वन टेस्ट टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच सर्बिया ने मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया ओपन ग्रैंड स्लैम के पुरुष एकल फाइनल में डेनिल मेदवेदेव को रूस को हराकर खिताब जीता। ऑस्ट्रेलिया ओपन सहित खेल प्रतियोगिता की और भी महत्वपूर्ण जानकारियां, पूरे चारों जो आपके टूर्नामेंट होते हैं टेनिस टूर्नामेंट किस कोर्ट पर खेले जाते हैं, इनमें सबसे पुराना कौन था, मैं इसकी विस्तृत जानकारी आपको कल खेल के एपिसोड के साथ भी प्रदान करूंगा। फिलहाल इसमें इतना आपको याद रखना है। आइए हाँ, नौमी ओसाका ये भी उसी से संबंधित है। ऑस्ट्रेलिया ओपन की डिटेल है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पुरुष एकल के विजेता कौन है, नोवाक जोकोविच है। महिला एकल की विजेता नौमी ओसाका है और इनके देश के नाम क्या है ये भी आपको याद रखना है। मिश्रित युगल महिला युगल और पुरुष युगल अब नहीं पूछा जाता, बहुत दिन से आपसे नहीं पूछे गए, लेकिन मैं ये गारंटी नहीं ले रहा हूं कि नहीं पूछा जाएगा। आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है, इस चार्ट को एक बार आप देख लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने एक बड़ा फैसला करते हुए इस साल रणजी ट्रॉफी नहीं कराने का फैसला किया। कोविड और बायो बबल के कारण इस बार व्यस्त टूर्नामेंट कार्यक्रम को देखते हुए 87 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब घरेलू टूर्नामेंट में रणजी ट्रॉफी का आयोजन नहीं हो सकेगा। बीसीसीआई ने सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट के बाद विजय हजारे ट्रॉफी को कराने का फैसला किया है। बीसीसीआई ने फैसला किया कि इस बार रणजी ट्रॉफी का आयोजन करना संभव नहीं है। बोर्ड सचिव जय साय ने प्रदेश इकाइयों को लिखे पत्र में यह जानकारी दी है ना। चले आइए, 30 जनवरी 2021 को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय साय को एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष चुना गया। जय साय बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख नजमुल हसन की जगह लेंगे। वह सबसे कम उम्र में इस शीर्ष पद पर पहुंचने वाले खेल प्रशासक भी हैं, साथ ही साथ एसीसी के अध्यक्ष के तौर पर चुने जाने वाले 32 वर्षीय साय सबसे युवा प्रशासक है। अब ये बहुत खतरनाक खिलाड़ी हैं, आप समझ ही रहे हैं। इनका इतना जबरदस्त अनुभव है खेल में कि ये अगर ईडन गार्डन से छक्का मार देते हैं तो वो छक्का सीधे जाके लॉर्ड्स पर गिरता है, लॉर्ड्स के मैदान पर गिरता है, लॉर्ड्स की बाउंड्री पार कर जाता है। इतना तगड़ा खिलाड़ी कब तो हुआ ही नहीं है ना। इतने अनुभवी खिलाड़ी हैं जब इतने महत्वपूर्ण पद पर पहुंचे, बाकी तो आप लोग खुद ही समझदार हैं। बहुत ही तगड़े खिलाड़ी हैं ना, बहुत तगड़े खिलाड़ी हैं। मतलब एक एक शॉट में इनको 25-25 रन मिल जाता है। 35-35 खिलाड़ी दूसरी टीम में खेलते हैं, अकेले खेलते हैं, बहुत भयंकर खिलाड़ी है। आइए 31 जनवरी 2021 को दिनेश कार्तिक की अगुवाई में तमिलनाडु की टीम ने दूसरी बार संयुक्त मुश्ताक अली 2020 ट्रॉफी को जीता। तो इस बार की सैयद मुश्ताक अली 2020 ट्रॉफी को किसने जीता, तमिलनाडु ने जीता। कप्तान कौन थे बताइए, दिनेश कार्तिक थे। अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में खेले गए फाइनल में पिछले बार की उपविजेता रही तमिलनाडु ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और बड़ौदा को उसने 12 गेंद शेष रहते हुए हरा दिया। यह आपकी पूरी फरवरी की समस्त जानकारियों के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित था। एपिसोड कैसा लगा अपने विचार जरूर दीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में अगर आपको सुपर टेट में एडमिशन लेना है, जूनियर में एडमिशन लेना है, यूपीएसआई में एडमिशन लेना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में देखिए, आप डिटेल्स लगातार चल रहे हैं और सभी बैचेज के टेलीग्राम चैनल के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं जिन्हें आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। मेरी तरफ से आज इतना ही, थैंक यू सो मच, नमस्कार।